नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस व्यवसाय एवं वित्तीय शिक्षण अभियान में। मैं हूँ रुपया। मेरा नाम रूपा है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए उन्नति और विकास का रास्ता, जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं सकारात्मक बदलाव। मैं हूँ राजू। अपने घर को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि आगे वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार किया जाए। देखो राजू, वित्तीय प्रबंधन किसी भी व्यवसाय योजना का अंतिम चरण होता है, जिसमें आय और व्यय का अनुमान लगाया जाता है। ज्यादातर छोटे व्यवसायी व्यावसायिक वित्तीय योजना से जुड़े मसलों को अनदेखा करते हैं और भविष्य के प्रति लापरवाह रहते हैं, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। वित्तीय प्रबंधन प्रत्येक व्यवसाय के लिए आवश्यक है। अच्छा दीदी, तो फिर वित्तीय प्रबंधन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? किस तरह से अपने व्यवसाय के लिए वित्तीय योजना बनाई जानी चाहिए? देखो, किसी भी व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वित्तीय नियोजन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस चीज का व्यवसाय कर रहे हो। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें अपने व्यवसाय के पर्याप्त आमदनी एवं खर्चे का पूर्वानुमान हो। वित्तीय प्रबंधन में सबसे जरूरी है खर्चे का निर्धारण करना, लेकिन खर्चे को निर्धारण करते वक्त व्यक्तिगत खर्चे और व्यवसाय के लिए किए जाने वाले खर्चे को अलग अलग आकलन करना बेहद जरूरी है। अक्सर छोटे उद्योगों में हम व्यक्तिगत खर्चों को व्यवसाय से अलग नहीं मानते और इससे भारी नुकसान कर बैठते हैं। भविष्य में होने वाले खर्चों में कुछ तो ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पता होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अचानक ही आ धमकते हैं, जैसे बच्चों